लॉकडाउन की वजह से करीब 2 महीने से अपने अपने घरों की दहलीज के भीतर ही रहने को मजबूर हुए लोगों के लिए ये खबर अहम है। दरअसल लगभग 2 महीने बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। रविवार को इसी को लेकर जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा होमवर्क किया गया। बृहस्पति भवन में आयोजित की गई बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, उज्जैन आलोट लोकसभा के सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन उत्तर के विधायक विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल, जिला पंचायत सीईओ अंकित अस्थाना और जिले की तहसीलों से विधायक और एसडीएम शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि 1 जून से धीरे धीरे उज्जैन शहर को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाए। चूंकि उज्जैन धार्मिक नगरी है, यहां बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद तेजी से न बढ़े, लिहाजा इसके लिए बड़े धार्मिक स्थल 15 जून तक बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया, पर छोटे मंदिरों में पंडित पुजारी नियमित पूजा कर सकेंगे। बैठक में तय किया गया कि ओड इवन तरीके से खोला जाए, यानी एक दिन दाई और एक दिन बाई ओर की दुकानें खोली जा सकेंगी। शादी समारोह हो सकेंगे, पर मेहमानों की संख्या अधिकतम 20, शहर में होने वाले शादी समारोह की 20 लोगों की सूची संबंधित थाना क्षेत्र को देनी होगी। हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे, फेरी लगाने वाले लोग फेरी लगाकर सामान बेच सकेंगे। साथ ही फ्रीगंज क्षेत्र में ठेले वालों को एक जगह खड़े होकर सामान बेचने की मनाही रहेगी। उज्जैन जिले के 2 गांव खडोतिया और सुनालिया अनलॉक के बाद भी बंद रखे जाएंगे, क्योंकि यहां कोरोना के मरीजों की संख्या अभी कम नहीं हुई है। बाजार खुलने के बाद जिला प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती शाम 6 बजे बाजारों को बंद कराने की होगी। इसी को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे किसी दबाव में न आए और बाजार को शाम 6 बजे बंद करा दें। साथ ही शनिवार शाम से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण रूप से उज्जैन शहर और जिले में लॉकडाउन रहेगा। मेडिकल और पेट्रोल पंप इनको छोड़ करके सुबह से 6 बजे से शाम के 6 बजे तक अपना अपना व्यवसाय कर सकेंगे, लेकिन 6 बजे बाद किसी को छूट नहीं रहेगी, ये इसमें नियम बनाया है, काम किया है। यही कारण है कि आज हमारी पॉजिटिविटी 1% पर आ रही है, और इसी कारण से हमने कहा कि जो हमारी पॉजिटिविटी 1% पर आई है, यह वर्तमान में बरकरार रहे, इसलिए कुछ कठोर फैसले भी हमने अपने स्तर पर लिए हैं। यद्यपि हमको बहुत सारी रिलैक्सेशन थे, बहुत सारी छूट थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ निर्णय जरूर हमने कहा कि जो हमारे पास कृषि उपज मंडी के अंदर जो माल आएगा, वो माल अब बजाय व्यक्तिगत तुलने के इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे से तुल कर जाएगा। तुलावटें हम मालियों का नुकसान नहीं होगा, उनका उनकी माली मिल जाएगी, लेकिन बड़े तोल कांटे का 20 रुपये वो संबंधित व्यापारी उसको भुगतान कर देगा। उसी प्रकार से जो हमारे कृषि यंत्रों की बात आई है, कृषि दुकानों की बात आई है, अगर वो लिमिटेड है तो उसको हमने ज़रूर इसमें रिलैक्सेशन दिया है। अदरवाइज 50% के क्रम से दुकानें एक पट्टी की एक बार और दूसरी पट्टी की दूसरी बार, ये क्रम से लगातार खोलने का निर्णय लिया है। इसी के साथ हमने एक निर्णय लिया है कि हमारे अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो टीकाकरण में खूब ताकत के साथ लगेंगे, अलग अलग खास करके व्यापारिक संस्थानों में, बड़े उद्योगों में हम भिड़ करके सब लोग टीकाकरण करवाएंगे। उस शासन की गाइडलाइन का पालन भी करेंगे जो जरूरी है हमारे पास करके, वो निर्णय जो शासन का है 20-10 दोनों पक्ष के, लेकिन उसके लिए संबंधित थाने में सूची दे दे, एसडीएम पे या कलेक्टरेट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो शादी ब्याह कर सकेंगे। गुरुद्वारे में जरूर शादी जो होती है तो गुरुद्वारे वाले, उनको दिक्कत है कि वो गुरुद्वारे के बाहर फेरे नहीं करते हैं, तो उनको अपन ने इसमें थोड़ा सा कंसिडर किया है। अब इसमें आगे जा करके जो हमारी मूल कठिनाई है जो हमको दिखाई दे रही है, खास करके हमने निर्माण से लेकर के सारे कामों को पहले उद्योग वालों को चालू रखा था, लेकिन अब छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले लोगों को हमने कंसिडर किया है, पेंटर से लेकर छोटे छोटे अपने अलग अलग निर्माण करने वाले शहरी क्षेत्र के अंदर के भी लोगों को, पर टीकाकरण की अनिवार्यता हमने उनके साथ जोड़ी है कि वो टीकाकरण कराए, उसमें प्रशासन मदद करेगा ताकि टीकाकरण के बाद बीमारी का संक्रमण नहीं फैले। कहा कि अन्य राज्य से आएगा तो अन्य राज्य से आने जाने के लिए जो निर्धारित हमारे नियम है कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत, उसका पालन वो करेगा तो हम आने देंगे, अन्यथा नहीं आने देंगे। मदिरा की दुकान का तो अभी मोटे तौर पर हमारा अभी मध्यप्रदेश की जो गाइडलाइन है वो उन पर भी लगेगी, अभी इस पर हमने ज़्यादा विचार नहीं किया है, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी आदमी की जनजीवन की मूलभूत सुविधाओं की दुकानों पर ज़्यादा ध्यान देना है।